सारी गाड़ियों के अंदर मुख्यमंत्री जी को ले जाया गया। सीधी मंशा ईडी की मुख्यमंत्री जी को अरेस्ट करने की ही थी, कोई पूछताछ नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था, सब कोर्ट के अंदर नाटक किया जा रहा था। मुख्यमंत्री जी के घर की पूरी तलाशी इस छापे में ली गई। सिर्फ 70,000 रुपए नकद मिले, जो कि ईडी वापस लौटा के चली गई। मुख्यमंत्री जी का मोबाइल लिया गया और मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करके ले गए हैं। पूरे छापे में कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई प्रॉपर्टी का कागज, कोई गैर कानूनी पैसा, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली। बात बिल्कुल साफ है, अगर अपोजिशन के अंदर प्रधानमंत्री जी किसी से डरते हैं और उनको लगता है कि उनका कोई विकल्प है भारत में, तो वो अरविंद केजरीवाल है। और मैं दोबारा यही बात कहूंगा कि वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते थे, उन्होंने किया, क्योंकि आज उनके पास सत्ता है, आज उनके पास सारी की सारी एजेंसियां हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है, जो चाहे प्रधानमंत्री करें। अभी तक 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया है, हो सकता है औरों को भी कर ले। मगर अरविंद केजरीवाल की सोच, अरविंद केजरीवाल एक आइडिया है जो हर गली हर मोहल्ले में अब तैयार हो रहा है। हमारे वकील शाम को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में उन्होंने अपनी पिटीशन दायर की, इस अरेस्ट को चैलेंज किया कि ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। कोर्ट की रजिस्ट्री ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ये मैसेज दे दिया है, मगर कोई जवाब नहीं मिला। तो हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब से मिलने गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और हमारा सुप्रीम कोर्ट से करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट रात को ही मुख्यमंत्री जी की जो याचिका हमने दायर की है उसको सुने और दिल्ली को, देश को और हमें न्याय दे। आगे सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि अब इन्फेक्शन हो चुकी है जो आपकी याचिका है, जो गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 पिटीशन थे, ये गलत खबर चलाई जा रही है कि इन्फेक्चुअस हो गई है। नहीं, हमारी 2 अलग अलग प्रेयर थी कि मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी इमिनेंट है, होने वाली है, लिहाजा उसको रोका जाए, और यदि इस दौरान गिरफ्तारी हो जाती है तो उस गिरफ्तारी के ऊपर भी कोर्ट रोक लगाए, तो वो इन्फ्रक्चुअस नहीं है। दूसरी बात, सरकार, हम लोगों ने सारे विधायकों से सलाह की, सारे काउंसलर से सलाह की, दिल्ली के एक एक वार्ड के अंदर हमने सभा की। सबका कहना था कि अरविंद केजरीवाल जी का मैंडेट है, दिल्ली की जनता चाहती है अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएं, तो अरविंद केजरीवाल ही सरकार चलाएंगे। जेल के अंदर से भी अरविंद केजरीवाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के नेता हैं। कानून मुमकिन है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन से अलाउ है सर? काफी नियम है जिसमें ये पॉसिबल है। मीटिंग कैसे करेंगे आप, कैबिनेट कैसे करेंगे? कैबिनेट के प्रपोजल्स तो सर्कुलेशन से ही कई महीनों से चल रहे हैं। मुझे याद है सहारा परिवार के जो मालिक थे उनको बाकायदा कोर्ट ने कमरा दिया था, कंप्यूटर दिया था, सारे रिसोर्सेज दिए थे ताकि उनके ऊपर जो भी जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां वो पूरी करें, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। तो फैसले बहुत हैं। हाँ, ये जरूर है कि केंद्र सरकार के पेट में दर्द है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ना चला सकें, वो पेट का दर्द हम समझ सकते हैं। सरकार चला सके, कोर्ट के सामने रखेंगे, कोई बाधा ना आए उसमें। देखिए, जो भी हमारी लीगल टीम हमें बोलेगी उसके ऊपर फैसला लेंगे, बट हमें लगता है जितनी जानकारों से हमने सलाह की है कि इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद रहे, आपको लगता है कि पूरी इंडिया ब्लॉक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेगा? देखिए, मैं अपनी पार्टी की तरफ से सभी विपक्षी दलों के नेताओं को हाथ जोड़ के धन्यवाद करूंगा, चाहे वो कांग्रेस के लीडर हो, दिल्ली प्रदेश के हो, ऑल इंडिया कांग्रेस के हो, चाहे अभी समाजवादी पार्टी से हो अखिलेश यादव जी, राहुल जी का भी ट्वीट
चाहे प्रियंका गांधी जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे केसी वेणुगोपाल हों, सब तरीके के लोगों ने, जो विपक्ष की आवाज है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की इस गिरफ्तारी पे गुस्सा जताया है। और वो सब लोग ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार तानाशाही पे उतर आई है और अपने हार के डर से, आम चुनाव में केंद्र सरकार हार के डर से विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। स्टार कैंपेनर्स हैं, सब अंदर हैं, चुनाव कैसे मैनेज करेंगे, चुनाव कैसे लड़ेंगे आप? कैसे मैनेज करेंगे? अच्छा, मैंने कल भी कहा था, हमारे नंबर दो के नेता, नंबर तीन के नेता, नंबर चार के नेता जेल में हैं, नंबर एक के नेता को जेल में डालने की तैयारी है। अब हमारे चार टॉप लीडर्स को जेल में डाला गया है, जिस पार्टी को अमित शाह जी कहते हैं सुपारी जितनी छोटी पार्टी है, उस सुपारी जैसी पार्टी से आज इतना खतरा है कि उसके चार शीर्ष नेता आज केंद्र सरकार ने जेल में डाले हुए हैं। इससे ये बात पूरे हिंदुस्तान को साफ होती है कि क्या इस वक्त देश के अंदर हो रहा है। और मैं एक और चेतावनी पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूं, अभी अभी रशिया के अंदर पुतिन चुनाव से जीते हैं, 87% चुनाव पुतिन को मिला है, 87% वोट। और वो इसलिए मिला है क्योंकि जितना विपक्ष है पुतिन साहब ने सबको जेल में डाल दिया, और जो सबसे बड़े विपक्षी नेता थे उनकी जेल में मृत्यु हो गई। तो आने वाले समय में हिंदुस्तान में भी यही होने वाला है, सब विपक्ष को जब जेल में ही डाल देंगे तो प्रधानमंत्री जी खुद ही चुनाव लड़ेंगे, और फिर अभी तक तो 38% वोट आया है, तो प्रधानमंत्री जी भी 90% वोट ले लेंगे। कल कैसे प्रोटेस्ट रजिस्टर करेंगे आप? वो देखेंगे, सोचेंगे। इधर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के लोग आओ, इधर आओ। मुख्यमंत्री को ईडी की टीम लेकर जा चुकी है आम आदमी पार्टी की, क्या सब आगे रणनीति रहेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आप लोगों ने रुख किया, अर्जेंट हियरिंग की मांग की है। देखिए, आज सबने देखा, पूछताछ सिर्फ एक बहाना था ईडी का, कोर्ट में भी ये बात साबित हो गई है। पूछना कुछ नहीं है, सवाल कोई नहीं है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को आम चुनाव से पहले गिरफ्तार करना है। और आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, आपने कर लिया, क्योंकि आज आपके पास सत्ता है, आपके पास ईडी है, आपके पास सीबीआई है। मगर अरविंद केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करेंगे, उनके आइडिया को कैसे गिरफ्तार करेंगे? आज केजरीवाल की सोच गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पनप रही है, और ये संदेश पूरे देश में साफ हो रहा है कि प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल से इतना घबराते हैं, अपनी आम चुनावों के अंदर अपनी हार को देखते हुए आज उन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। ये खबर आ रही है कि कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है, तो क्या उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि अरविंद केजरीवाल फिर से बाहर आ पाए? जो देखिए, हमारी कोशिश तो ये है कि हम रात को ही कोर्ट के अंदर पिटीशन लगा चुके हैं, रात को हमारे वकील रजिस्ट्रार साहब से मिलने गए हैं, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट रात को ही हमारी इस अर्जी को सुने और इस पे फैसला दे, हमें न्याय मिले। देखिए, मैं तमाम अपोजिशन के नेताओं का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहता हूं, अपनी पार्टी की तरफ से, अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, कि चाहे कांग्रेस के एआईसीसी के नेता हों, केसी वेणुगोपाल हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे प्रियंका जी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, कोई भी हों, जितने भी हमारे इंडिया ब्लॉक के नेता हैं, चाहे पवार साहब हों, सब लोगों ने अपने अपने माध्यम से गुस्सा जताया है कि केंद्र सरकार आज तानाशाही पे उतर आई है, और हार के डर से अब बड़े बड़े नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। के दौरान सीएम हाउस के सामने रहे, आपने जानकारी दी कि 70,000 रुपए की रिकवरी हुई है, और क्या कुछ ईडी ने पूछा कि क्या रिकवरी? देखिए, मेरे को जो बात पता चली, पहली बात तो ईडी के पास कोई सवाल नहीं थे मुख्यमंत्री जी के लिए, मात्र 70,000 रुपए नकद की रिकवरी हुई, जो कि लीगल थे, और वो उन्होंने मुख्यमंत्री जी के घर वालों को लौटा दिए। उसके अलावा ना कोई प्रॉपर्टी का पेपर, ना कोई गैर कानूनी दस्तावेज, ना कोई मनी ट्रेल, कोई भी सबूत मुख्यमंत्री जी के यहाँ छापे में नहीं मिला, क्योंकि
क्योंकि मकसद छापा मारने का सिर्फ इतना था कि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना है। सबूत इनके पास जब डेढ़ साल में नहीं आए तो अब क्या आएंगे, सबूत इनके पास नहीं है। कल विधानसभा के एक सेशन बुलाया गया स्वास्थ्य के मुद्दे पे, क्या सेशन चलेगा? देखिए ये तो स्पीकर साहब जो हैं इसका फैसला लेंगे, तो अध्यक्ष जी के ऊपर ये फैसला है। छोटा जी रोल है।